Bismillahir Rahmanir Rahim. Exercise 6.2, question number 6. Which term of the AP? Question number 6. Which term of the AP आपको AP गिवन है क्या है 5, 2, -1, up to so on is -85. अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस जो है वो क्वेश्चन में कि आपके पास -85 इस AP की कौन सी टर्म है, किस पोजीशन वाली टर्म है आपके पास. तो अब आपको मालूम है कि पोजीशन जो है वो जनरल टर्म के फॉर्मूला में कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब है हमने -85 के लिए एन को कैलकुलेट कर लेना है. लेट से अगर एन आ जाता है 5 तो इसका मतलब है ये फिफ्थ पोजीशन वाली टर्म आपके पास -85 होगी. तो इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि आपसे पूछा जाए कि ये एपी की कौन सी टर्म है, तो आपने उसमें जो है वो एन को कैलकुलेट करना होता है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. यहां पर हम जो है वो a1 हमारे पास इक्वल है 5 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d इक्वल है 2 - 5 इज इक्वल टू -3 और हम इस टर्म को लास्ट टर्म जनरल टर्म an कह देते हैं -85. और अब ये तमाम वैल्यूज जो है वो हम जनरल टर्म के फॉर्मूला में लगा देते हैं. तो यूजिंग ए एन इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू डी. तो आपके पास ए एन की वैल्यू -85 वैल्यूज लगा दें, ए वन की वैल्यू 5 और प्लस एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. तो एन -1, डी की वैल्यू -3. तो अब -85 इज इक्वल टू 5 - 3n और +3. ये कितना हो जाएगा -85 - 5 और -3 इज इक्वल टू -3n. तो -85 - 5 - 90 और -90 - 3 - 93. तो -93 इज इक्वल टू -3n. नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और 93 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n और ये आपके पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 31. अब इसका मतलब क्या हुआ n 31, इसका मतलब ये हुआ कि 31 पोजीशन वाली टर्म आपके पास इस एपी में -85 के इक्वल है. यानी कि 31 पोजीशन वाली टर्म की वैल्यू -85 है. तो हम लिख सकते हैं फिर सो आपके पास a 31 इज इक्वल टू -85. यही हमने बताना था इसमें कि आपके पास -85 कौन सी टर्म है या किस पोजीशन वाली टर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेटमेंट विच टर्म ऑफ द एपी. यहां पर भी आपने टर्म फाइंड आउट करनी है. अब एपी आपको क्या गिवन है -2, 4, 10 अप टू सो ऑन इज 148. आपको बताना है कि 148 जो है वो
कौन सी टर्म है इस एपी की, तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 की फोटोकॉपी है आपके पास. आपने इन ही लाइंस पर इसको सॉल्व करना है. 148 के लिए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर वो आपके पास उस पोजीशन वाली टर्म के इक्वल हो जाएगा. तो ये आप लोग जो है वो खुद ट्राई करेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी. हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी. आपसे पूछा जा रहा है कि एपी में कितनी टर्म्स हैं. इन विच ए वन इज इक्वल टू 11, ए एन इज इक्वल टू 68, डी इज इक्वल टू 3. आपके पास ये वैल्यूज गिवन है और आपने बताना है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको एन बता रहा होता है, तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन में भी एन को ही कैलकुलेट करना है. तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 का ही प्रोसीजर यूज करते हैं हम इसमें और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है, तो हम यूज करते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब ए एन की वैल्यू 68 और ए वन आपको 11, फिर प्लस आपको नेक्स्ट जो है वो एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 3. तो 68 इज इक्वल टू 11 प्लस 3n माइनस 3. तो ये आपके पास हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 11 माइनस 3, आपके पास 8 और प्लस 3n. तो अब हम 8 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो 68 माइनस 8 हो जाएगा. 68 माइनस 8 इज इक्वल टू 3n और आपके पास ये 60 इज इक्वल टू 3n और 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास 20. इसका मतलब है इस सीक्वेंस में आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द एंड टर्म ऑफ द एपी इज, इफ द एंथ टर्म of AP is 3n minus 1, find AP. हमें AP find out करनी है, उसकी general term जो है वो हमें given है. तो अब हमें क्या करना है, जब आपको general term given हो तो AP find out करना बहुत easy है, क्योंकि n जो है वो आपको पोजीशन बता रहा होता है टर्म्स की. तो आप n को वेरी करते जाएंगे और आपके पास जो है वो टर्म्स आती जाएंगी. तो हम इस जो है वो एपी की फर्स्ट 4-5 टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं और वो हमारे पास जो है वो एपी हो जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड एपी कैलकुलेट हो जाएगी. तो हमें nth टर्म गिवन है और हम उसको लिखते होते हैं ए एन
और इज इक्वल टू 3n-1, तो इसमें मैं n को वेरी कर देता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 तक, और चलें अप टू सो ऑन। तो अब आप इसको वेरी करवाएं n की जगह पर, जब हम 1 लगाएंगे तो 3 × 1-1, तो 3-1, 2 आ जाएगा। फिर जब हम 2 लगाएंगे तो 3 × 2-1, तो 6-1, 5 हो जाएगा। अब हम n की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की जगह पर 3 लगा देंगे, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो a3 इज इक्वल टू 3 × 3-1, तो 9-1, 8, और फिर a4 इज इक्वल टू 3 × 4-1, तो 12-1, 11। तो रिक्वायर्ड एपी क्या बनी हमारी, सो रिक्वायर्ड एपी इज आपके पास 2, 5, 8, 11 अप टू सोन। ये इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।